आज खास तौर पे जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो बजट वाला इशू नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा में जो शिक्षक हैं तो पैसे का तो है ना, तो हमारा जो बजट भी इशू है, लेकिन बजट से ज़्यादा बड़ी हमारे बीच जो समस्या इस टाइम पे यहाँ पे इतने सारे साथी हमारे और पिछले 3 दिन से लगातार अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस देश का अगर भविष्य बनाना है, इस देश का क्या दुनिया का कोई भी देश है अगर उसने उन्नति की है तो वो क्लासरूम के द्वारा उन्नति की गई है, वो शिक्षकों के द्वारा उस देश ने विकास किया है। अगर भारत को सही रूप में एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाना है तो हमें अपने चाहे वो स्कूल की शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, उसको सुधारना पड़ेगा। और पिछले कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि शिक्षा को ध्वस्त करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा कहीं ना कहीं जो सामाजिक गैर बराबरी की व्यवस्था रही है, जो सामाजिक अत्याचार और अपमान की व्यवस्था रही है, उसको ध्वस्त करने का काम करती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को कहा कि अगर किसी भी प्रकार का सामाजिक परिवर्तन आपको चाहिए तो फिर आपको शिक्षा में इन्वेस्ट करना चाहिए, शिक्षा में इन्वेस्ट करना चाहिए। और लगभग सभी देश अपने यहाँ पे तभी सफल हो पाए हैं किसी देश जिन्होंने शिक्षा को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत में शिक्षा जिन लोगों के हाथ में रही उन्होंने अपना वर्चस्व भी बना के रखा, उन्होंने अपनी हैसियत भी बना के रखी और लगभग हर स्थिति में उन्होंने समाज का नेतृत्व ही नहीं दिया बल्कि समाज पे पूरी तरीके से कंट्रोल बना के रखा। सो भारत में शिक्षा कुछ लोगों की बपोती रही और उस शिक्षा की बपोती के सहारे उन्होंने पूरे समाज को नियंत्रित और संचालित किया। आज बहुत सारे लोग खासतौर पर संविधान के लागू होने के बाद से बहुत सारे लोग उच्च शिक्षा में भी आ रहे हैं और अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं। जो दबी कुचली अस्मिताएं हैं, गरिमाएं हैं, वो अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जिस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन को ध्वस्त कर दिया गया है यहाँ पे, सरकारी शिक्षा लगभग ध्वस्त हो गई, अब हायर एजुकेशन को भी ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और अलग अलग तरह की स्कीम ला रहे हैं। जैसे इन्होंने अभी इसमें कहा कि 30% आप अपने रिसोर्स जनरेट कीजिए। सीधी बात है, अगर हम आज 7,000 रुपये में अपने यहाँ पे एक बच्चे की फीस लेते हैं एक साल की 7,000 रुपये और उसको बीए करा रहे हैं या बीएससी करा रहे हैं, वो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। 7,000 रुपये इतनी बड़ी धनराशि नहीं है, लेकिन अगर हमें 30% रिसोर्सेज अपने जनरेट करने पड़े तो हो सकता है कि हमें वो फीस 70,000 करनी पड़े। 70,000 कौन पैसा देके पढ़ाएगा? तो ये एक षड्यंत्र है जिससे कि आप शिक्षा में आगे ना बढ़ पाएं, खासतौर पर जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं वो शिक्षा में ना आगे बढ़ पाएं। दूसरे जो शिक्षक हैं उनको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन तो दे रहे हैं लेकिन आपको रिसर्च नहीं करनी चाहिए। अगर आप रिसर्च करेंगे तो वो समय, जिस मान लिया 3 साल आपने पीएचडी के लिए लगाए, तो वो समय आपका प्रमोशन के लिए जो एक्सपीरियंस काउंट होता है उसमें नहीं लिया जाएगा। आपने अगर एमफिल या पीएचडी कर लिया किसी तरीके से, आप मेहनत करके किए हैं, तो फिर पहले अभी तक सरकार जो है इनको इंसेंटिव्स देती थी, इनको इंक्रीमेंट्स देती थी, लेकिन उस इंक्रीमेंट्स को भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कह रहे हैं कि वो इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा, अगर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो फिर हम क्यों पीएचडी करेंगे, क्यों एमफिल करेंगे। प्रोफेसर, जब माना जाए कि जैसे और भी नेता कहते हैं, मंत्री कहते हैं, हम संविधान को खत्म करने आए हैं, संविधान को मतलब किसी न किसी तरीके से आज एजुकेशन में जो मौलिक अधिकार थे या शिक्षा का अधिकार है उसे खत्म किया जा रहा है। देखिए ये जो इस तरह के जो विचार व्यक्त कर रहे हैं वो मुझे लगता है मानसिक दिवालियापन है, चाहे वो मंत्री हो या कोई सरकारी अधिकारी हो। अगर वो संविधान के खिलाफ बोल रहा है तो उसकी जगह जेल में होनी चाहिए, ना कि मंत्रिमंडल में या ब्यूरोक्रेसी के अंदर। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनका सीधा सा मतलब है कि जिन लोगों ने अभी जैसे बहुत सारे लोग वंचित समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं तो फिर वो मनुवादी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, मनुवादी वर्चस्व को चैलेंज कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि संविधान ने हमारी परंपरागत जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को तोड़ दिया, उसको ध्वस्त कर दिया, इसलिए हो सके तो इसमें परिवर्तन कर दें। लेकिन ये मनोज जी आज की तारीख में संभव नहीं है। लाखों करोड़ों लोग संविधान के सहारे आगे बढ़ चुके हैं, अपनी ताकत को बढ़ा चुके हैं। अब कोई भी मनुवादी षड्यंत्र यहाँ पे संविधान या लोकतंत्र को ध्वस्त नहीं कर सकता। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन और ये निराशा का द्योतक है कि जो इस तरह के स्टेटमेंट्स कभी कभी देके सेंसेशन पैदा करने का प्रयास किया जाता है। ये देशद्रोही लोग हैं। धन्यवाद।